हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको मिट्टी से एक कैमल बना के दिखाऊंगा। तो गाइस, ये रही हमारा आज का स्ट्रक्चर जो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से लोहे की कील और जीआई वायर से बना लिया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो गाइस, चलिए अभी हम हमारा आज का जो स्कल्पचर है मिट्टी का एक कैमल, तो उसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने मिट्टी से जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर मैंने मिट्टी चढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो पहले हम इसका मेजरमेंट करेंगे, मतलब जहाँ जहाँ पे मिट्टी चाहिए वहाँ पे मिट्टी को एक बहुत ही मोटा लेयर से मिट्टी को हम कवर कर देंगे। उसके बाद इसको हम, मतलब जो हमारा क्ले इंस्ट्रूमेंट है उससे इस मिट्टी को कटिंग करेंगे। ठीक है, पहले आपको क्या करना होगा, कोई भी स्कल्पचर बनाने के लिए पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी चढ़ाना होगा। ठीक है, और उसके बाद आपका जो क्ले इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी मदद से आपको इसको कटिंग करना होगा। मतलब पहले आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो स्कल्पचर है बहुत ही मोटा सा लग रहा है, लेकिन वैसा नहीं है। आप जब क्ले इंस्ट्रूमेंट से उसको कटिंग करेंगे तो वो और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो देखिए, मैंने इसका जो बॉडी है और इसका जो सर है वो मैं मिट्टी से बना लेता हूँ, और उसके बाद हम क्ले इंस्ट्रूमेंट से इसको कटिंग करेंगे। तो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं जो भी क्ले इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहा हूँ उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रखा है, आप जाके वहाँ से ख़रीद सकते हैं। और ये जो मिट्टी है ये तो नेचुरल मिट्टी है, मतलब जो मिट्टी हमारे ज़मीन पर मिलती है जिसको हम सॉयल बोलते हैं, तो वही मिट्टी मैं इसको क्ले मॉडलिंग के लिए रेडी कर लेता हूँ। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि नेचुरल मिट्टी को कैसे क्ले मॉडलिंग के लिए रेडी किया जाता है, तो आप एक वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर मैंने दिखाया है कि किस तरीके से नेचुरल मिट्टी को क्ले में रेडी करते हैं। ठीक है, तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रखा है, तो वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपके वहाँ पर भी अच्छे क्ले मिलती हो, मतलब अच्छे मिट्टी मिलती हो, तो आप भी उस मिट्टी से क्ले बना के ऐसे क्ले मॉडलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी चलिए स्टेप बाय स्टेप हम इस कैमल को बनाते हैं, और आप भी देखते रहिए। अगर आप भी ऐसे मिट्टी से बहुत ही सिंपल तरीके से स्कल्पचिंग करना चाहते और सीखना चाहते हैं तो ठीक है, और प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर फॉलो कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दे रखा है इस क्ले स्कल्पचिंग के बारे में, तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आई होप आपको वो सवाल का जवाब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिए। तो गाइज, मिलते हैं आपसे वीडियो के एंड में, तब तक आप वीडियो को देखते रहिए, कहीं मत जाइए। Thank you.
सो गाइज, यही थी हमारी आज की क्ले स्कल्पचिंग। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको आज की ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।